नहीं है कि आपको सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने से ही आपकी कमाई होने लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मार्केट में जाके मेहनत करना होगा, दिन रात एक करना होगा। मेहनत करने के बाद ही आपको कुछ भी कमाई हो सकती है। हमारा अगरबत्ती टेस्ट करके देखो, क्वालिटी यदि आपका अच्छा होगा तो बिल्कुल कोई भी दुकानदार लेगा, ठीक है। तो मार्केटिंग, आपको मार्केटिंग के ऊपर विशेष मेहनत करना होता है। यदि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत आइएगा इस बिजनेस के अंदर। क्या आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं परंतु आपके पास बहुत सारी पूंजी नहीं है, इस कारण से बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप मिनिमम से मिनिमम पूंजी के साथ अगरबत्ती का व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं और डेली के हज़ारों का आप अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप कम से कम पूंजी के साथ, मात्र 5,000-4,000 रुपये के साथ आप बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है हरिमोहन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस इन्फॉर्मेशनल वीडियो के अंदर। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लोग अगरबत्ती उद्योग से संबंधित विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी लेके आते रहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना इंट्रो के अंदर कि कैसे आप मिनिमम से मिनिमम पूंजी के साथ अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जैसा कि मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा कुछ हमारी ये अगरबत्तियाँ हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये अगरबत्तियाँ हुई हैं हमारी 10 रुपये की, 20 रुपये की। तो कैसे आप इस तरह की अगरबत्तियों का व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं कम से कम पूंजी में, वही हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कहीं भी वीडियो को मिस करेंगे तो हो सकता है कि महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस करके जाएगी। तो वीडियो को एंड तक एकदम ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा कि कैसे इस बिजनेस में काम किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस बिजनेस के अंदर सबसे जो पहली ज़रूरत होती है हमारी, वो होती है ये रॉ अगरबत्ती की। ये आप देख पा रहे हो, इसको कच्ची अगरबत्ती बोलते हैं हम लोग, रॉ अगरबत्ती भी बोला जाता है, रॉ इंसेंस स्टिक भी बोला जाता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें बोली जाती है, ज़्यादातर जगहों पे इसे रॉ अगरबत्ती बोली जाती है। तो पहली जो रॉ मटेरियल होती है हमारी, ये कच्ची रॉ अगरबत्ती। इसके बाद हमारा सेकेंड रॉ मटेरियल होता है DEP ऑयल, जो कि आपको डिस्प्ले के ऊपर डिब्बे का फोटो दिख रहा होगा, DEP ऑयल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा रॉ मटेरियल होता है हमारा परफ्यूम, सेंट, इत्र, खुशबू, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो तीसरा रॉ मटेरियल है हमारा परफ्यूम, पहला हमारा था रॉ अगरबत्ती, दूसरा DEP ऑयल और तीसरा हमारा ये परफ्यूम, तीन मटेरियल हो गए हैं। इसके बाद जो चौथा मटेरियल होता है ये हमारा पैकिंग मटेरियल होता है। पैकिंग मटेरियल में इस तरह के बॉक्सेज भी हो सकते हैं और इस तरह के पाउचेज भी हो सकते हैं। तो वो अलग अलग, वो डिपेंड करता है आपको क्या, आप क्या प्रीफर करते हो, उस हिसाब से आप उसको ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो कैसे आप 5,000 या 4,000 के अंदर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये जो भी मटेरियल आपको छोटे छोटे क्वांटिटीज़ के अंदर पहली बार दी जाएगी और आप छोटे छोटे क्वांटिटी के अंदर लेके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है उसे मैं फटाफट समझा देता हूँ। तो ये होता है अपना दोस्तों परफ्यूम और ये होता है हमारा DEP ऑयल। तो DEP ऑयल और परफ्यूम को एक प्रॉपर रेशियो के अंदर मिक्स किया जाता है, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होती है, DEP ऑयल भी और ये परफ्यूम भी, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसे कि एक दूसरे के अंदर प्रॉपर रेशियो के अंदर मिलाया जाता है। फिर उस मिक्सचर के अंदर अगरबत्ती को डुबाया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो कि कैसे डिपिंग करी जाती है परफ्यूम और DEP को मिला के, उसमें इस अगरबत्ती को, इस कच्ची अगरबत्ती को डिपिंग करी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से डिपिंग करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाता है। जैसे मान के चलो कि तो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं कि डिपिंग करने के बाद हम लोग इस तरह के पाउचेज के अंदर इस अगरबत्ती को डाल लेते हैं। जैसा कि देखा आपने, इस तरह के पाउचेज में हमें पहले इसे डालनी होती है। इस पाउचेज में डालने के बाद इस तरह की डिब्बियां आती हैं हमारी, ये देख पा रहे हो आप, खाली बॉक्सेज, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया ये, तो इसी टाइप की ये खाली बॉक्सेज है। तो इसे हम लोग फटाफट, काफ़ी ईजी आसान प्रोसेस होता है, कहीं से भी कोई इसमें परेशानी जैसा कुछ बात है नहीं, साधारण सी चीज़ होती है ये। इस तरह से डिब्बियाँ बनती है, मैं इसमें अगरबत्ती डालना भूल गया फटाफट के कारण। तो इसमें ये डिब्बियाँ बना करके इसमें अगरबत्ती को ऐसे फिल कर देना है,
और ये अपना टेप डिस्पेंसर है, ठीक है, इसमें सेलो टेप लगा हुआ होता है। ये अपना अगरबत्ती अब मार्केट में जाने के लिए तैयार है। तो काफ़ी आसान प्रोसेस है, कहीं से भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, काफ़ी आसान है, और आप कम से कम पूंजी के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हो और अच्छी खासी मार्जिन कर सकते हो। ये अपना छोटा प्रोडक्ट तैयार हुआ है जो कि आप मार्केट में बेच सकते हो, परंतु इसे हमें मार्केट में बेचने के लिए बड़ी बड़ी पैक्स बनानी होती है। लाइक ये देख लो आप, एक दर्जन की पैक बनानी होती है, तो इस तरह की डब्बियाँ या फिर पाउचेज भी आती है प्लेन, उसमें आप पैक करके उस टाइप की बना सकते हो। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की पैकिंग मटेरियल, पैकिंग बॉक्सेज, पैकिंग पाउचेज हमारे पास उपलब्ध होती हैं, वो सारा अगर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो उस पर आपको डिटेल मिल जाएगा। तो आप छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर प्रोडक्ट लेके हमसे अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो कम से कम पूंजी के अंदर। यदि आप बड़े स्केल पे काम करना चाहते हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो, नीचे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग का नंबर, तो आप वहाँ पे कॉल करिए और व्हाट्सएप करिए। यदि आप 5-6 हज़ार के बजट के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो लिखिए कि सर हमें 5-6 हज़ार रुपये के अंदर ही बिजनेस को स्टार्ट करना है। यदि आपकी बजट ज़्यादा है, आप थोड़े से बड़े स्केल पर काम करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप बताइए, फिर उस हिसाब से आपको डिटेल फॉरवर्ड करी जाएगी। तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, वहाँ से आप फटाफट कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारी डिलीवरी की सर्विस है, हर जगह हमारी डिलीवरी हो जाती है। तो आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। रही मार्केटिंग की बात, की ये चीज़ आप बना लोगे बेचोगे कहाँ, तो इसकी मार्केट आपके घर से शुरू हो जाती है। आप भी घर में अगरबत्ती जरूर जलाते होंगे, तो हर घर में सुख में दुख में हर अवसर पे अगरबत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो इसकी मार्केटिंग की तो कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने से ही आपकी कमाई होने लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मार्केट में जाके मेहनत करना होगा, दिन रात एक करना होगा, मेहनत करने के बाद ही आपको कुछ भी कमाई हो सकती है। तो मार्केट में आप छोटे छोटे जो भी आपके घर के आसपास में दुकान हो, ग्रोसरी की दुकान हो, या कोई भी जहाँ पे अगरबत्तियाँ बिकती हो, पूजा पाठ की दुकान हो, मंदिरों के आसपास दुकानें होती हैं, वहाँ पे भी अगरबत्तियाँ बिकती है, तो उस छोटी छोटी दुकानों पे जाके आप संपर्क कर सकते हो कि भाई साहब हमने काम स्टार्ट किया है, आप हमारा अगरबत्ती टेस्ट करके देखो, क्वालिटी यदि आपका अच्छा होगा तो बिल्कुल कोई भी दुकानदार लेगा, ठीक है। तो मार्केटिंग, आपको मार्केटिंग के ऊपर विशेष मेहनत करना होता है। यदि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत आइएगा इस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि बिना मेहनत किए हुए कुछ भी नहीं होता। आप खाना भी खाते हो तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ एफर्ट डालना होता है, तभी जाके वो हमारे पेट के अंदर जाता है। तो प्लीज़ मेहनत करने के लिए यदि आप तैयार हैं तो फटाफट आप हमारे नंबर पे कॉल करिए और बात करिए हमारे कंसल्टेंट से कि कैसे आप कम से कम पूंजी में ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आप लोगों को कोई क्वेरी रह गया हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल रख सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक एक कमेंट का आपका जवाब दिया जाए और आपको संतुष्ट किया जाए आपके सवालों को जवाब दे करके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको ये बिजनेस ना करना हो और आपको लगता हो कि नहीं, मेरे किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड को बिजनेस की, रोजगार की आवश्यकता है और उनको ये बिजनेस करना चाहिए, तो आप उनको जरूर ये वीडियो फॉरवर्ड करिए। बहुत सारी बेस्ट विशेज के साथ समाप्त करता हूँ वीडियो को, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।